दरखास्त की खास पेशकश में बिलाल अहमद टुडे आज तक न्यूज़ पर आपका इस्तकबाल करता हूं। आज हम बसई खाजादा गांव में पहुंचे हैं। यहां पर एक दलित परिवार पर जो है जानलेवा हमला किया गया है। मामला बीते 3 तारीख का बताया जा रहा है। हमारे साथ है वो पीड़ित परिवार, आखिर हमें बताएगा कि क्या मामला था इनका, किस बात को लेकर ये सारा लड़ाई झगड़ा हुआ, जो कि यहाँ तक की भी बात आ रही है कि इसके परिवार को जो आज भी जान का खतरा दबंगों से पूरी तरह से बना हुआ है, यहाँ तक पानी भी लेडीजों को नहीं भरने दे रहे, छोटे छोटे बच्चे हैं। आखिर पुलिस ने हालांकि इसकी शिकायत पे मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन आज तक पुलिस ने इस मामले में किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की, ना ही आरोपी को गिरफ्तार किया। तो हमारे साथ है वो पीड़ित, ये हमें बताएंगे आखिर क्या था इसका मामला। जी, क्या नाम आपका? रूपचंद। तो रूपचंद, ये जो सारा मामला ये सामने जो है भाई आपके साथ में, कोई मारपीट का लड़ाई झगड़े का एक मामला है, क्या था, कितने तारीख की घटना? 3 तारीख शाम को, ये दुकान है इस रास्ते में, तो वहाँ से सामान लेकर घर आ रहा था, तो एक लड़का और था, वो 2 महीने में गाड़ी से आया, तो उसने लाइसेंस के चक्कर में मेरे को रोका और पंडित जी की वहाँ खाट बिछ रही थी रास्ते में। अच्छा। तो उस घाट पर हम बैठ गए, उसने रोक लिया था, तो तुरंत पंडित जी आया, गाड़ी गलौच दी और 2 बार मेरे को 4 पाई से नीचे गिरा दिया। नीचे गिराने के बाद मैंने उसको बोला पंडित जी ऐसा क्यों, तो उसने चूड़ा चमार कहकर और बोला मतलब सो तेज हमारी खाट पर बैठने की हिम्मत कर। मैं पूरे परिवार को फिर उसने बुला के मेरे को कूट पीटा। उसके बाद मैं घर आ गया, सो गया, मैंने सोचा कोई बात नहीं, गरीब आदमी। फिर सुबह उसका लड़का आया पवन, तो उसने कहा कि मादर चोर चमार उस खाट पर धोकर। मैंने उससे बोला भाई रात तुम्हारा पेट नहीं भरा, तो जब तक देखा तो पूरा परिवार मेरे घर पर चल गया और लाठी डंडों से मारपीट कर। तो किस किस के चोटें आई हैं और कहां? चोट खाली मेरा आई थी। अच्छा। मेरे साथ मान लग बच्चे थे, ये अपने जब तक बचाने में लगे तो इन्होंने डंडा वंडा कुछ उठाया नहीं, मैंने उठाया, तो मेरे चोटें आई हैं और उसकी MLR है मेरे पास, हॉस्पिटल में रहा था मैं। बाकी थोड़ी देर, आज कितने दिन हो गए इस मामले? इसको हो गए 12 दिन। तो अभी तक कोई पुलिस कार्रवाई, कोई सहयोग नहीं मिला है, केवल आश्वासन। तो आपसे जाति सूचक शब्द भी कहे गए हैं। पीड़ित परिवार ने यानी कि बार बार पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाता नजर आ रहा है। यहाँ तक कि इस परिवार के साथ में जाति सूचक शब्दों का जो प्रयोग किया गया है, यहाँ महिलाओं एवं बच्चों को यहाँ पे बुरी तरह मारा पीटा गया है, जिसमें इस व्यक्ति के चोट भी आई हैं, जिसकी शिकायत इन्होंने थाने में दी, पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया। लेकिन बड़ी हैरत की बात है, 12 दिन बाद भी पुलिस एक भी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। तो एक महिला भी इसी परिवार की हमारे साथ है, ये हमें बताएंगी आखिर इस बात को लेकर तुम्हारा जो ये विवाद चला आ रहा था और क्या हुआ था, कितने तारीख की ये बात है, क्या नाम है जी आपका? माला है। तो ये कितने तारीख की बात है, क्या हुआ था? 3 में इनकी माँ पे हुई थी और 4 में घर पे आए थे। अच्छा। घर पे आए थे कौन कौन लोग आए थे? उन्होंने सारा परिवार था पंडित जी का। अच्छा। मतलब औरत भी थी और क्या नाम है आदमी थे। अच्छा। तो उन्होंने इसके ऊपर मारपीट की, तो मैं इतने लेके अपने बच्चों को बीच में बचाने के लिए गई, मुझे कुछ नहीं मिला। अच्छा। तो मारपीट करके सिर फोड़ कर गुथगुथा कर चले गए। फिर क्या नाम है ये थाने में, हम पुलिस थाने में या मंडखेड़ा गए लेके इसको पट्टी कराने के लिए, दिखाने के लिए, कोई हमारे साथ नहीं लगा। तो पुलिस ने आप लोगों की शिकायत में मुकदमा दर्ज कर लिया है, यानी कि अब आप लोग क्या चाहते हो? अब हम ये चाहते हैं कि न्याय हो, कैसा भी आप करवाओ। आज 12 दिन हो गए इस मामले को, आज तक कोई पुलिस कर्मचारी आपके घर पे आया है या कोई यानी कि आरोपी नहीं आया? कोई नहीं आया। पीड़ित परिवार बार बार पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाता नजर आ रहा है और यानी कि दबंगों पर कार्रवाई करने की बात कह रहा है। यहां तक बात है कि 12 दिन बाद भी आज तक पुलिस एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। ऐसे में पुलिस को जांच कर आरोपी सिर गिरफ्तार करने चाहिए, नहीं तो पुलिस से भी पब्लिक का आपसी विश्वास जो कायम है वो बिल्कुल उठ जाएगा अगर इस तरीके से पीड़ितों के साथ अन्याय होता रहा। बस कारी लेने DSP फिरोजपुर झिरका श्री सुनील कुमार कादियान नगीना थाना प्रभारी के संग मौके पर गांव बसी खानजादा पहुंचे तथा दोनों पक्षों की बातें सुनी। जी सरपंच साहब, आपका ये गांव का मामला है जो यानी कि 2 परिवारों में ये आपसी लड़ाई झगड़ा हुआ है और SC एक्ट में किन-किन धाराओं में जो मामला दर्ज किया है और DSP फिरोजपुर झिरका आज जाँच के लिए गाँव में आए हैं, क्या मामला था? मामला ये क्या 3 तारीख का है,
तीन तारीख को ये समथिंग 8:30 बजे हमारा एक चौक है जिसको हम बाजार के नाम से जानते हैं, वहाँ से कुछ सामान लेके, अपना कुछ घर का जरूरी काम सामान था जिसको लेके ये अपने घर जा रहा था। रास्ते में इसको एक लड़का मिला भोज रहा जो वो भी 80 है, उसका साथ इसकी कोई बात हुई, मतलब जैसे कि वो बाहर से 2-3 महीने में आया है कमा के, इसने कहा चलिए इस फोर्टी में बैठते हैं। वहाँ एक चौक है पंडित जी घर के सामने, चौक पे ये दोनों बंदे एक साथ बैठ गए। बैठने के बाद में थोड़ी देर बाद पंडित जी आए और पंडित जी ने कहा भाई ठीक है आप इस खास से खड़े, तो रूपचंद ने ये कहा प्लीज़ आप हमें 2 मिनट का टाइम दो, एक अर्जेंट काम है उसको फ्री करके वहाँ जा रहे हैं। तो इसने पंडित जी ने उनकी एक बात नहीं सुनी और ना सुन के, जैसा मैंने सुना मैं उस टाइम मौके पर नहीं था बट मैंने जैसा तफसीस करी गाँव में, तो पंडित जी ने खाट उठा दी उसकी, ये दोनों गिर गए। गिरने के बाद में फिर एक बार फिर दोबारा बैठ गए, बैठने के बाद फिर उसको गिरा दिया दोबारा। इसी बात को लेकर मैं थोड़ी बहस हो गई, बहस होने के बाद में इसकी मार पिटाई चल गई। मार पिटाई होने के बाद में इनका बीच बचाव हो गया समथिंग, काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए थे वहाँ पर। फिर अगले दिन सुबह जैसे मैंने सुना है मैं ऑन द स्पॉट मौके में था, फिर अगले दिन इसकी जो पंडित जी के घर से एक लड़का गया था भाई जा उस खाट को कोई ऐसा मामला है तो खाट को धो के आओ, ऐसा कुछ मुझे बताया बट मैं उस टाइम मौके पर नहीं था, जैसे मैंने सुना ऐसे मैं बता रहा तो मेरी खाट को धो के आओ। तो वहाँ वो बंदा इतने वो जो उसका लड़का कह रहा था उसको धोखा, उसने कहा ठीक मैं आ रहा हूँ चलो, इतना वो कह के निकला नहीं कि इतने में थोड़ी देर बाद सारा पूरा पंडित जी परिवार वहीं पर पहुँच गया रूपचंद घर पर और वहाँ जाकर रूपचंद जी बताया। ये मामला था, बाकी पुलिस प्रशासन इसमें ढीला है और दबाव महसूस कर रहा है अंडर प्रेशर।